Hey guys, welcome back to my another video. This is Manjit and you're watching on your YouTube channel, My Smart World. मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्यूट स्मॉल और एक फैमिली ब्रीड लेके आया हूँ। जी गाइस, मैं बात कर रहा हूँ पग ब्रीड के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये डॉग बहुत ही प्यारे होते हैं और साथ में बहुत ही एक्टिव और प्लेफुल डॉग्स भी होते हैं। इन डॉग्स को अपनी फैमिली और अपने ओनर के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है और इन्हें बच्चों के साथ खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। इस डॉग की क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। क्वालिटी आप लोगों को कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप लोग इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहना। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी होने वाली है। सो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को दबाकर पाएं मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। अगर आप लोगों के मन में इस डॉग को लेकर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो आप लोग डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप लोग उन्हें कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद ही आप लोग इन्हें परचेज करें। पग ब्रीड जो है ये एक स्मॉल ब्रीड में आती है और इन्हें किसी भी टाइप के घरों में आप लोग रख सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एक छोटा अपार्टमेंट है तो उसमें भी ये इजीली एडजस्ट कर लेंगे, इन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इन डॉग्स का कोट शॉर्ट होता है तो आप लोगों को डेली इनको ब्रश करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग वीक में इन्हें 2-3 बार ब्रश कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो डॉग है ये फुल्ली वैक्सीनेटेड है। ये इसका वैक्सीनेशन कार्ड आप लोग देख सकते हैं और ओनर ने इसको 11-in-1 वैक्सीनेशन करा रखी है, तो जो कि बहुत कम लोग कराते हैं। तो अगर आप लोग एक स्मॉल ब्रीड लवर हैं तो ये पग आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और वैसे भी जो ब्लैक कलर के पग होते हैं वो आप लोगों को काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो पग ब्रीड होती है ये ना तो गार्ड डॉग्स होते हैं और ना ही वॉच डॉग्स होते हैं। इनका लवेबल बिहेवियर होने की वजह से ये सबके साथ सेम ही रहते हैं और ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, इसकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एज के बारे में। इसकी जो एज है वो है 5 मंथ्स ओल्ड और इसकी जो लोकेशन है वो है सागर, मध्य प्रदेश से। अगर आप लोग मध्य प्रदेश के आसपास से कहीं से बिलोंग करते हैं तो आप लोग डायरेक्ट जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि डिलीवरी भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो अगर आप लोग इस डॉग को अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो डिलीवरी भी हो जाएगी। बट जो डिलीवरी का चार्ज होता है वो इन डॉग्स के प्राइस से अलग होता है। अगर आप लोगों को डिलीवरी चार्ज जानना है तो उसके लिए आप लोगों को ओनर से ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। और अब बात आती है इसके प्राइस के बारे में। ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है 15,000 रुपये, और ये प्राइस नेगोशिएबल है। आप लोग मुझे एक बार ज़रूर बताना कि आप लोगों को क्वालिटी के हिसाब से इसका प्राइस कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के पास भी कोई डॉग या कोई और एनिमल है, आप लोग उसे सेल या फ्री में अडॉप्ट कराना चाहते हैं तो एक बार मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। आज की वीडियो यहीं तक, जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय बाय।